हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल ओकुल में आप सभी का स्वागत है डे इक्यावन के साथ हम अपने इस कोर्स लक्ष्य हंड्रेड प्लस नाइन्टी डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे साइंस एंड टेक ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट फोर आ जाएगा तो अभी तक अगर आप लोगों ने कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कोर्स को एनरोल कर लीजिए मैं रोज रोज आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए ठीक है क्वेश्चंस का ही क्विज रहता है हमारा और काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं तो मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो आपको लग रहा है कि ये कोर्स हेल्पफुल है तो प्लीज इस चीज को और लोगों को भी थोड़ा सा आप लोग बताएं ठीक है तो चलिए साइंस एंड टेक के पार्ट फोर के साथ हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज के दिन के वो पांच क्वेश्चन क्या थे सुबह के क्विज में जो हमें इस सीरीज में डिस्कस करने हैं ठीक है चलिए तो देखिए यह है दिन का पहला क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्रीनोज ठीक है न्यूट्रीनोज क्या होते हैं इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला है कि इट इज द मोस्ट वाइडली अक्रिंग पार्टिकल इन द यूनिवर्स ठीक है यूनिवर्स में पाए जाने वाले ये सबसे ज्यादा है मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पार्टिकल है ठीक है दूसरा है एवरी न्यूट्रीनोज आर ऑफ सेम मास यानी कि हर न्यूट्रीनो का मास जो है वो सेम होता है दूसरा है इट होल्ड्स द की टू फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन द दरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई ओरिजिन कैसे हुआ उस फंडामेंटल सवाल को लेकर ये मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट फैक्टर होल्ड करते हैं ठीक है तो इनमें से विच रखिएगा वर्ड लिखा गया है इनकरेक्ट ठीक है इनकरेक्ट तो ये भी आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से देखना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है ठीक है तो चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए पंद्रह सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है उसके बाद हम इसका देखते हैं सही जवाब क्या रहेगा न्यूट्रीनोज के बारे में स्टेटमेंट है ध्यान रखिएगा न्यूट्रीनोज और पूछा गया है ऑफ इज इनकरेक्ट ठीक है इनकरेक्ट की बात हो रही है ये देखिए तो इसमें से जो इनकरेक्ट है दैट इज वन एंड टू ठीक है ये वन एंड टू जो है ये इनकरेक्ट है क्यों इनकरेक्ट है आइए देखते हैं देखिए न्यूट्रीनोज जो है दैट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय स्विस साइंटिस्ट एक स्विस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है वुल्फ गैंग पाउली ठीक है इन्होंने 1930 में 1930 में ये बताया था कि इट इज द मोस्ट वाइडली सेकंड मोस्ट वाइडली अक्रिंग पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स ये मोस्ट वाइडली नहीं है सेकंड मोस्ट वाइडली है ठीक है ओनली सेकेंड टू फोटोन्स यानी कि फोटोन्स जो ऐसे पार्टिकल है विच आर दी मोस्ट वाइडली अक्रिंग ठीक है द पार्टिकल विच मेक्स अप लाइट ठीक लेकिन बात यह भी कही गई है कि इनफैक्ट द न्यूट्रीनोज आर सो अबंडेंट अमंग अस दैट एवरी सेकेंड देयर आर मोर देन हंड्रेड ट्रिलियन ऑफ देम पासिंग राइट थ्रू ईच ऑफ अस वी नेवर सी इवन नोटिस देम ठीक है यानी कि हमारे से पर सेकेंड एवरी सेकेंड जो है वो लगभग सौ ट्रिलियन के आसपास जो न्यूट्रॉन न्यूट्रीनोज है वो हमारे थ्रू पास हो रहे हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते ठीक है ठीक है ये तो पहले स्टेटमेंट का जवाब मिल गया आपको दूसरा है कि न्यूट्रीनोज अकर इन थ्री डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स में होते हैंटेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मासम नहीं होता है ठीक है आगे देखिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सोफार वी नो दैट न्यूट्रीनोज टाइनी मास बट दर्डरिंग ऑफ द न्यूट्रीनोज मास नॉट नोन एंड इज वन ऑफ द की क्वेश्चन टिल नाउ ठीक है जैसे हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है ठीक है इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कि कितना होता है उसका ऑर्डर कितना है टेन इन 19 लेकिन यहां पर हमें इसके जो न्यूट्रिनो का मास है उसका ऑर्डर हमें नहीं पता है ठीक है दिस इज अ मेजर चैलेंज आई एन ओ विल द न्यूट्रिनो ठीक है आई एन ओ क्या है न्यूट्रीनोज होल्ड द की टू सेवरल इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन द दरिजन ऑफ द यूनिवर्स एंड द एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स ठीक है तो आगे दिया गया है कि अनदर इंपॉर्टेंट पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो की अनदर पॉसिबल एप्लीकेशन क्या है इज इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिनो टोमोग्राफ ऑफ द अर्थ दैट इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम कोर ऑनवर्ड्स ठीक है दिस इज पॉसिबल विद न्यूट्रीनो सिंस दे आर ओनली पार्टिकल्स विच कैन प्रोव द डीप इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ ठीक है आगे थोड़ा सा और देखते हैं आई के बारे में इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ठीक है आई प्रोजेक्ट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट एम्ड एट बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी ठीक है विद अ रॉक कवर ऑफ अप्रोक्सिमेटली ट्वेल्व हंड्रेड मीटर फॉर नॉन एक्सेलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इन इंडिया ठीक है और इनिशियल गोल जो आई एन ओ का है इंडिया बेस्ड न्यूट्रीन ऑब्जर्वेटरी का है दैट इज टू स्टडी न्यूट्रीनोस ठीक है इट इज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट ज्वाइंटली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी दैट इज डी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज डीएसटी ठीक है मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि जो ये आई एन ओ है ये कहां पर लोकेटेड है ठीक है लोकेटेड है किस जगह पर लोकेटेड है आई एन ओ यह आप मुझे बताएंगे आई एन ओ इज लोकेटेड वेयर ठीक है दैट इज इंडिया बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ठीक है चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द साउथ पोल पोलर रीजन ऑफ द मून ठीक है जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि जो साउथ पोल है मून का चंद्रमा का उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए ठीक है पहला है इट इज ईजियर एंड सेफर फॉर मून मिशन टू लैंड नियर द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून ठीक है कि जितने भी मून मिशन होते हैं उनके लिए साउथ पोल के पास लैंड करना आसान है और सुरक्षित है ठीक है इजियर एंड सेफर दूसरा है इट लाइज इन द्रॉक्सिमिटी ऑफ सनलाइट यानी कि वहां पर जो है सनलाइट प्रेजेंट होती है और तीसरा है द टेम्परेचर ऑफ द रीजन इज एक्सट्रीमली लो इस रीजन का जो टेम्परेचर है जो तापमान है वो बहुत ही कम है एक्सट्रीमली लो है ठीक है तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स बिलो ठीक है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये ऊपर ही इसने यहां पर पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो यानी कि आपको सही बताना है ठीक है चलिए पंद्रह सेकंड का जवाब समय रहेगा जवाब दे सकते हैं आप लोग फिर हम देखते हैं इसके बारे में ये देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी यानी कि सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही है बाकी दोनों के दोनों गलत है ठीक है आइए देखते हैं क्यों गलत है देखिए द पोलर रीजन ऑफ द मून आर वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टेरेन सबसे पहली बात तो यह है कि इजियर और सेफ वहां पर नहीं है लैंड करना ठीक है मेनी पार्ट लाइड इन द कंप्लीटली डार्क रीजन वेयर सनलाइट नेवर रीचेज एंड द टेम्परेचर कैन गो बिलो माइनस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस माइनस टू थर्टी डिग्री तक का वहां पर तापमान जा सकता है ठीक है फिर वहां पर लैक ऑफ सनलाइट एंड एक्सट्रीमली लो टेपरेचर क्रिएट डिफिकल्टी इन दी ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन एडिशन देर आर लार्ज क्रेटर्स वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं ऑल ओवर द प्लेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर इन साइज टू दो इट इज इजियर एंड सेफर फॉर मिशन टू लैंड नियर द इक्वेटर इक्वेटर के पास लैंड करना आसान है ठीक है द टेरेन एंड टेम्परेचर आर मोर हॉस्पिटेबल एंड कंड फॉर लॉन्गर एंड सस्टेन्ड ऑपरेशन ऑफ द

ध्यान से सुनिएगा सवाल मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पर आप लोगों से एडिशनल क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हैं इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे ठीक है पहला सवाल यह है कि जब साउथ पोल जो है वो डिफिकल्ट टेरेन है और आज तक वहां पर कोई भी लैंड नहीं किया है तो इंडिया वहां पर यह विक्रम लैंडर को चंद्रयान टू की मदद से भेज के मतलब क्या स्टडी करना चाह रहा था वहां पर स्टडी करने का फायदा क्या है मतलब क्या चीज ऐसी है जिसकी स्टडी वहां पर करनी चाहिए गई है पहली चीज पहला सवाल दूसरा सवाल यह है कि इसमें लिखा गया है कि जो सारे के सारे आज तक के जितने भी मून मिशन है वो जनरली इक्वेटर के पास ही लैंड करे हैं तो मुझे आप यह बताइएगा कि मोस्ट अवे फ्रॉम द इक्वेटर ध्यान से सुनिएगा मोस्ट अवे फ्रॉम द इक्वेटर कौन सा मिशन है जो आज तक लैंड हुआ है ठीक है मोस्ट अवे फ्रॉम द इक्वेटर ठीक और कौन सा है और किस कंट्री का था यह भी आप मुझे बताएंगे इंडिया का मैं आपको बता दूं जो चंद्रयान है लोकेशन वेरी क्लोज टू पोल जो लिखा गया है ये एक्सपेक्टेड था अराउंड सेवेंटी डिग्री कि ये सेवेंटी डिग्री साउथ पे लैंड करेगा मतलब इक्वेटर से सत्तर डिग्री साउथ पे ठीक है 70 डिग्री साउथ पे तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दूर इक्वेटर से कौन सा गया है आज तक ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन कॉलिस्टिन रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू कॉलिस्टिन क्या है अ वायरस एंड एंटीबायोटिक क्रिप्टोकरेंसी या फिर वैक्सीनेशन फॉर निपा वायरस ठीक है तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे पंद्रह सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास ये देखिए इसका सही जवाब है एंटीबायोटिक है ये किस चीज का एंटीबायोटिक आइए है देखते हैं कोलेस्टन इज एन एंटीबायोटिक फॉर थेराप्यूटिक पर्पस इन वेटरीनरी ठीक है बट द ड्रग इज हाईली मिसयूज इन पोल्ट्री इंडस्ट्री एज अ ग्रोथ प्रमोटर फॉर प्रोफाइल पर्पस ठीक है ऑल्सो कोलेस्टन इज अ वैल्यूएबल लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक दैट सेवस लाइव इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स बट इन रिसेंट ईयर देर हैव बीन पेशेंट्स हु हैव रेजिस्टेंट टू पेशेंट ड्रग्स ठीक है दिस मूव इज लाइकली टू रिड्यूस द एंटी माइक्रोबायोल रेजिस्टेंस विद इन द कंट्री तो इसलिए बेसिकली ये सवाल इंपॉर्टेंट बना है कि इसका यूज जो है वो ज्यादा करने लग गए हैं लोग ठीक है, लो, है? प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज करने लग गए हैं क्योंकि तो देखिए बेसिकली कह सकते हो आप एंटीबायोटिक का रोल क्या है कि वो किसी बीमारी को सही करे ठीक है उसके अगेंस्ट वो आपको प्रिवेंट मतलब प्रिवेंट करने के लिए उसको यूज करना सही नहीं है लेकिन बेसिकली इसका जो यूज है वो एज अ प्रोफाइलेक्टिक पर्पज प्रोफाइलेक्टिक पर्पज मतलब उसका यूज इसीलिए किया जाने लगा है कि जैसे उसको आप किसी भी बीमारी को उसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं ठीक है तो उससे क्या हो रहा है कि माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जो है वो कंट्री में कम हो गई है ठीक है क्योंकि लोग क्या है इस ड्रग के रेजिस्टेंस हो गए है। ठीक है मतलब उनका इसमें असर ही नहीं हो रहा है इस चीज ठीक चलिए लास्ट सेकेंड लास्ट सवाल देखेंगे दिन का विच अव द फोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग माइक्रोडॉट्स माइक्रोडॉट्स रीसेंटली सी इन द न्यूज पिछली बार भी क्वेश्चन आया है यूपीएससी में माइक्रोडॉट्स को लेकर ठीक है ध्यान रखेगा पहला है इट इन्वॉल्व स्प्रेंग दी बॉडी एंड पार्ट ऑफ द्हिकल्स और एनी अदर मशीन विद माइक्रोस्कोपिक डॉट्स विच गिवनिक आइडेंटिफिकेशन दूसरा है दीज माइक्रोडॉट्स कैन बी रेड फिजिकली विदक्रोस्कोप एंड आइडेंटिफाइड विद अल्ट्रा वोलेट लाइट सोर्स और तीसरा स्टेटमेंट है माइक्रोडॉट आर एडेसिव विल बिकम परमानेंट फिक्सर्स और अफिक्सेशन विच कैन बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग दसेट दैट इज द्कल एट सेल्फ ठीक है तो सही जवाब इसमें से बताइए कौन सा है जी देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए यानी कि वन एंड टू स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट को पूरा पढ़िएगा क्योंकि इसमें दो चीज दी गई है पहला तो यह दिया गया है कि the microdots are adhesive will become permanent, कि द आर विल बिकम परमानेंट यानी ये जो हैं ये परमानेंट बन जाएंगे ठीक है विच कैन बी रिमूव्ड इनको रिमूव किया जा सकता है विदाउट डैमेजिंग एसेट डैमेजिंग यानी कि जिस व्हीकिल के ऊपर माइक्रोडॉट लगाए गए होंगे उसको डैमेज किए बिना इसको रिमूव किया जा सकता है विदाउट ठीक है तो ये विदाउट वाला जो टर्म है ये गलत है इसलिए इसलिए लिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हुआ है ठीक है चलिए जवाब देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज इशूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू अमेंड सेंट्रल मोटर वहीकल रूल्स अलाउविंग मोटर वहीकल्स एंड देर पार्टी नियरली इनविजिबल माइक्रोडॉट क्योंकि बहुत छोटे हैं ठीक है माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व स्प्रेइंग दी बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ द व्हीकल और एनी अदर मशीन विद माइक्रोडॉट्स माइक्रोस्कोपिक डॉट्स विच गिव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ठीक है विल बिकम ट फिक्सर्स और अफिक्सेशन विच कैन नॉट बी ध्यान रखेगा विच कैन नॉट बी रिमूव विदाउट डेमेजिंग दैट इज द्हिकल इट सेल्फ ठीक है एंड दीज नियरली इन विजिबल माइक्रोडॉट कैन ऑनली बी रेड फिजिकली विदक्रोस्कोप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से आप पढ़ सकते हैं एंड आइडेंटिफाइड विद्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स ठीक है एंड यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प चेक थे वहीकिल्स एंड ऑल्सो यूज ऑफ द फेक स्पेयर पार्ट्स ठीक है इसका टेक्नोलॉजी का यूज ये होगा इस तरीके से ये दिखेगा देखिए बहुत छोटे से डॉट्स होंगे डॉट का साइज आपको दिया गया है वन मिलीमीटर का डॉट होगा लेकिन उसके अंदर इतनी सारी जो मैग्निफाइड व्यू है वो इतनी सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी ठीक है तो इसलिए ये विजिबल नहीं होगा ठीक है और बिना जिस भी व्हीकल के ऊपर जिस भी मशीन के ऊपर यह लगाया जाएगा उसको बिना डैमेज करे इसको रिमूव भी नहीं कर सकते ठीक है चलिए लास्ट सवाल देखते हैं जिनका विद रेफरेंस टू ट्रांजिटिंग एक्जो प्लानिट सर्वे सेटेलाइट दैट इज टी डबल एस मिशन सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला है इट इज अशन बाय नासा नासा का मिशन है और दूसरा है इट विल लुक फॉर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग दी ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द अर्थ स्काई कौन सा स्टेटमेंट इनमें से, से सही है जवाब आप लोग दे सकते हैं ये देखिए इसका जो तो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी वन एंड टू स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल सही है आइए जल्दी से देखते हैं इसके बारे में क्या है ये द ट्रांटिंग एक्जो प्लेनेट इज नासा मिशन दैट विल लुक फॉर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द ब्राइटेस्ट स्काई इन प्लेनेट्सिंग द्राइटेस्ट स्कूल इट वॉज लेड बाई एम आई टी दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद सीट फंडिंग फ्रॉम गूगल ठीक है द मिशन विल मॉनिटर एट लीस्ट टू हंड्रेड थाउजेंड दू लैक स्टार्स फॉर दी साइन ऑफ एक्सो प्लेनेट्स रेंजिंग फ्रॉम अर्थ साइज रॉकी वर्ल्ड टू ह्यूज गैस जाइंट प्लैनेट्स ठीक है TESS विल हाउ एवर फोकस ऑन स्टार्स दैट आर थर्टी टू हंड्रेड टाइम्स ब्राइटर देन दोपलर एग्जामिड ठीक है दिस विल हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम आउटसाइड अवर अर्थ एंड प्रोवाइड इंसाइट्स इन टू हाउ अवर ओन सोलर सिस्टम फॉप्ड ठीक है तो टीईएसएस मिशन के बारे में आप ये ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है इसको नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है तो ये थे आज के दिन के पांच क्वेश्चन जो अवेलेबल थे सुबह के क्विज में और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो कितना ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं आई नो कि बहुत सारे YouTube में इस तरीके के चैनल हैं, बहुत सारे इस तरीके के प्लेटफॉर्म हैं जहां पर इस तरीके का आजकल लास्ट टाइम पर रिवीजन या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस चल रही है और आई कैन से कि बहुत ज्यादा भी हो सकती है मतलब जैसे हम तो दिन के पांच क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ कुछ चैनल ऐसे भी हैं कि जिनमें एक एक सेशन में ही पचास पचास क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और दिन में ऐसे दस सेशन चल रहे हैं तो 500 क्वेश्चन आप एक दिन में वहाँ पर देख सकते हैं लेकिन बात ये इम्पोर्टेंट नहीं है यू के एग्जाम में आप लोगों को भी सबको पता है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सुपरफिशियल लेवल पर काम करना नहीं है क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पर अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो वो आपके एस के एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में काम आ सकता है लेकिन यू के एग्जाम में काम नहीं आएगा यह सब आप लोगों को पता है आप लोगों को चीज़ों की डीप डाउन थोड़ा सा जाना पड़ेगा चीज़ों की तह में जाके थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट है कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और किस लेवल तक की इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है जवाब देने के लिए क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम आते हैं मतलब सिंगल जैसे कि ए बी सी डी ठीक है वहाँ पर वन टू थ्री वन टू फोर वाले जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है वही यूपीएससी के पेपर में अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन वही वाले रहते हैं ठीक है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं ठीक है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं जिनको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है वो अपने साथ वालों को भी बता सकते हैं ठीक है किस तरीके कुछ चीज़ यहाँ पर चल रही है कोई भी कमेंट कोई भी क्वेरी कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आपका हमारे लिए अगर कोई और फीडबैक है कोई सुझाव है तो वो आप हमसे हमारी ई मेल के थ्रू दैट इज ओकुल डॉट को एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी शेयर कर सकते हैं ठीक है ठी तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में फिर से नए क्वेश्चन पांच क्वेश्चन लेके साइंस एंड टेक का ही अगला पार्ट रहेगा तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू हैव अ नाइस डे गुड नाइट